नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और खबरों को शेयर करना और लाइक करना। मां की रेप केस का वीडियो वायरल, पीड़िता ने अपने चाचा महेश सिंह पर लगाया आरोप। सरकार द्वारा मिली सहायता को हड़पने के साथ पैसा भी ले लिया। न मां की गर्भवती है पीड़िता, इलाज के लिए पैसा नहीं। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की बात कही जिसके लिए पीड़िता के पास पैसा नहीं। सरकार द्वारा दी गई सीआरपीएफ सुरक्षा पर भी लगाया आरोप। न मिलने दे रहे पति से, सरकार से मदद की लगाई गुहार पीड़िता ने। वसीम अहमद, लगने को मजबूर हूँ, सरकार ने मुझे जो सरकारी आवास दिया था मेरे चाचा महेश सिंह ने साजिश करके हड़प लिया है और जीवन जीने के लिए मिला हुआ सरकारी धन भी परिवार ने साजिश करके ले लिया है। डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी के लिए ऑपरेशन बोल दिया है। अब ना मैं, मेरे पास धन है और ना ही रहने के लिए मकान। आखिर पेट में बच्चा लेकर मैं जाऊंगा? महिला योग आई तो यहाँ से भी कोई मदद नहीं हो पा रही है। स्वाति वाली दीदी तक ये बात पहुंचा दिया जाए कि मेरे पास कोई महिला नहीं है, मैं अकेले हूँ। स्वाति वाली दीदी तक मेरी खबर पहुंचा दिया जाए ताकि कोई महिला मेरे साथ किया जाए। मेरी हेल्प के लिए एक लेडीज होना जरूरी है। मेरे पास सुरक्षा में लगी सीआरपीएफ की वजह से मेरे पति भी साथ नहीं रह पाते, दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं। उनके पास सीआरपीएफ लेके जाने को तैयार नहीं है। बताइए मैं क्या करूं? मेरी हालत बहुत ख़राब है। आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि मेरी आवाज़ को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सरकार से मेरी मिली मदद करें। सरकार मेरी मदद करे, सुनवाई हो मेरी, मुझे मिला हुआ सरकारी आवाज़ दिलाया जाए और मेरी डिलीवरी का प्रबंध हो ताकि मैं अपना पेट में पल रहे नन्ही सी जान को बचा सकूं। मेरी मदद करें आप सब लोग प्लीज। हाथ जोड़ कर निकले थे, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत पीड़ित हूँ। मैं दर्द है कि ठोकर खा रहे हैं, रोड में रह के आईटी ऑफिस में रोड में हूँ। मेरे पास घर नहीं है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे चाचा महेश सिंह ने घर से निकाल दिया है जबकि मैंने शादी किया है। सारा पैसा जो आर्थिक सहायता मिली सरकार से वो भी ले लिया, घर भी छीन लिया उनसे। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जाऊँ? मेरा केस दिल्ली में चल रहा है। थैंक यू, मेरी आवाज़ जहाँ तक हो सके शेयर की जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए।